स्पेशल नाश्ता आज सुबह का ब्रेकफास्ट, तो उसके लिए हमने बनाई सांभर मसाला आलू और इडली ब्रेड की बनाई है, बहुत टेस्टी बनी। चलिए हम बनाते झटपट बनने वाली सांभर। उसके लिए हमने कुकर लिया है, गैस जला दी हमने, फिर डालेंगे हम तेल। तेल गर्म हो गया, इसमें डाल देंगे हम राई, एक साबुत लाल मिर्च तोड़ करके, कड़ी पत्ते, डालेंगे फ्रेंड प्याज, हमने तीन प्याज काट ली थी उसमें से हमने डाल दिए, इसमें दो प्याज और एक प्याज रख लिए उसके मसाला बनाने के लिए। प्याज को भुनेंगे, इसमें डाल देंगे हम हरी मिर्च, हमने दो हरी मिर्च काट ली थी बिल्कुल बारीक, इतनी रख देंगे मसाले के लिए। प्याज भून चुकी है, अब डाल देंगे इसमें टमाटर, हमने चार टमाटर बिल्कुल बारीक काट लिए हैं। अब डालेंगे इसमें मसाले, धनिया पाउडर दो चम्मच छोटी, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, भूनेंगे सही मसालों को। इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी, सब कुछ भून चुका है अच्छे से। अब डाल देंगे इसमें हम अरहर की दाल, हमने आधी कटोरी अरहर की दाल को धो करके पानी में भिगो दिया था आधे घंटे के लिए, दाल देखिए भीग चुकी है, अब इसको डाल देंगे इसमें। हमने एक लौकी ली है मीडियम साइज की, उसको धो करके छील करके ऐसे काट लिया छोटे छोटे पीसों में बिल्कुल, इसमें हम खाली लौकी डालेंगे और कोई सब्जी नहीं डालेंगे। अब डाल देंगे लौकी, अब सबको अच्छे से हम मिलाएंगे। अब डालेंगे इसमें पानी, हम दो गिलास पानी डाला है, डालेंगे नमक, अब इसका हम ढक्कन लगा देंगे और इसमें हम चार सीटी आने देंगे, मीडियम गैस पे कर दी हमने। सांभर बन दी, उतनी देर में हम इसके लिए आलू मसाला तैयार कर लेते हैं। तो हम लेंगे पहले तेल एक बर्तन में, तेल गर्म हो गया है, राई डालेंगे, हींग डालेंगे, दो साबुत लाल मिर्च इसको तोड़ेंगे डालेंगे, कड़ी पत्ते 10 से 12, अब डालेंगे हम बचे हुए प्याज, भूनेंगे, हरी मिर्च भी डाल देंगे हम। प्याज भून चुकी है, अब हम लेंगे उबले आलू, हमने 6 आलू उबाल करके छील के ऐसे हाथों से उसको हमने तोड़ लिया है, आलू डाल देंगे इसमें। इसमें डालेंगे मसाले, धनिया पाउडर, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, एक चम्मच डाल देंगे इसमें सांभर मसाला, नमक। अब भूनेंगे आलू को मसालों के साथ में। इसको हम इस तरह से मैश भी करते जाएंगे थोड़ा थोड़ा सा। इसमें डाल देंगे हरा धनिया कटा हुआ। मसाला आलू बनके तैयार है, अब गैस को बंद कर देंगे। अब सांभर को हम चेक कर लेते हैं, देखिए अच्छी तरह से बिल्कुल मिक्स हो गया है दाल और सब्जी बिल्कुल, देखिए सांभर तैयार हो गई बंद करके। इसमें डाल देंगे हम ऊपर से इमली का पानी, अब डालेंगे इसमें ऊपर से हम सांभर मसाला 2 बड़ी चम्मच,
ऊपर से हम तड़का एक पैन गर्म करेंगे, इसमें डालेंगे तेल। तेल गर्म हो गया है, डाल देंगे इसमें राई, दो साबुत लाल मिर्च, कड़ी पत्ते। गैस बंद कर देंगे, थोड़ी सी लेंगे कश्मीरी लाल मिर्च। अब इसको हम डाल देंगे सांभर में। हरे धनिया कटे हुए डाल देंगे। सांभर तैयार, मजेदार झटपट बनी हुई सांभर हमारी। इसमें आप चाहे तो ऊपर से नींबू का रस भी डाल सकते हैं अगर आपको और खट्टा करना है तो। अब हम लेंगे दही और दही को हम फेटेंगे अच्छे से। अब हमने लिए ब्रेड, तो हम ब्रेड को क्या करेंगे, ऐसे किसी गिलास या कटोरी से या किसी सांचे से काटेंगे बीच में। इस तरह से काट के हम रख लेंगे सब। अब हम एक ब्रेड लेंगे और हमने जो मसाला बनाया था आलू का उसको हम लेंगे। इस ब्रेड पे अच्छी तरह से ऐसे हम बीच में लगा देंगे। इस तरह से, और फिर हम दूसरी ब्रेड लेंगे, इसके ऊपर ऐसे हम रख देंगे, इसको अच्छी तरह से किनारे से दबाते हुए चिपका देंगे। इस तरह से हम बना लेंगे। हमने सब देखे भर लिए। अब हम दही लेंगे और दही को इसके ऊपर ऐसे हम लगाएंगे। दोनों तरफ लगाएंगे दही को। ऐसे हम बना करके रख लेंगे इस तरह से। आप चाहे तो इसको ऐसे सर्व कीजिए सांभर के साथ में, और चाहे तो इसको आप सेक भी सकते हैं। तो अब इसको बना करके हम रख देंगे 5 मिनट के लिए, बिल्कुल जी अच्छे सेट हो जाएगी, दही इसका हाथ में आएगा नहीं, फिर इसको आप सर्व कीजिए। आप तैयार है हमारी झटपट बनने वाला नाश्ता। पीरियड की इडली बनाइए, झटपट बनी और सांभर कितनी जल्दी बन गई, और आलू मसाला, तो इसको आप बनाइए, एंजॉय कीजिए सुबह के नाश्ते में, या आप इसको रात के डिनर बना सकते हैं, बहुत टेस्टी लगता है खाने में। तो ज़रूर इसको एक बार ट्राई कीजिएगा। तो हम दूसरी बारी भी दिखा रहे हैं बना करके कि सेकते कैसे हैं। तवा तो गर्म कर लिया हमने, इसमें डाल देंगे घी या तेल, जिसमें आपको बनाना वो डालिए। अब इस पर हम ऐसे रख देंगे इडली। इसके ऊपर भी हम घी या तेल लगा देंगे। पलट देंगे सबको। निकाल लेंगे सबको। देखिए एक तरह सेकनी है हमें, कि हमने सेक भी लिए। इस तरह से बना सकते हैं इसको आप। तो आपको जैसे मैंने बनाई है, और एंजॉय कीजिए।